स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से बायोलॉजी बाय फैसल में स्वागत है। कल हम लोगों ने पढ़ा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स, और जैसा हम लोगों ने देखा था, आपका फ्रेगमेंटेशन देखा था, फिजन देखा था, अमीबा में फिजन कैसे हो रहा था। आज हम लोग जो अगली टॉपिक देखेंगे वो टॉपिक हमारी है बडिंग और स्पोर फॉर्मेशन। इसका ये वाला वीडियो देखने से पहले हमारी आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसके पहले का वीडियो देख लीजिएगा, उससे और ज़्यादा आप लोग के जो कन्फ्यूजन है वो सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो ये मेरे बारे में कुछ ब्रीफिंग है। मैंने बायोटेक्नोलॉजी किया है, एमटेक बायोटेक्नोलॉजी, और 2 साल से ज़्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है। चलिए आज की टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे बडिंग होती क्या है, व्हाट इज़ बडिंग। ठीक है, तो बडिंग की बात करें तो ये एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ये ध्यान दीजिएगा, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक, इसमें होता क्या है, ये हमारा ऑर्गेनिज्म है, सपोज करिए ये ईस्ट है। इसमें सबसे पहले क्या होगा, एक बड ग्रो होगी, एक आउट ग्रोथ होती है, उसी आउट ग्रोथ को हम लोग बड कहते हैं। ये हमारी क्या कहलाएगी, ये हमारी बर्ड कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा ऑर्गेनिज्म है उसकी सरफेस पे एक बर्ड का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये जो फॉर्मेशन होगा बर्ड का, ठीक है, आइए बर्ड का फॉर्मेशन कब होता है ये कंडीशन भी देख लीजिए। जब सराउंडिंग में लार्ज अमाउंट में फूड प्रेजेंट होता है, यानी कि ये जो हमारा ऑर्गेनिज्म है ये बेसिकली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। इसका एक जो सिंपल एग्जांपल है वो है ईस्ट। ईस्ट एक यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर फंजाई है। ठीक, तो ये यूनिसेलुलर जो फंजाई है, ये फंजाई जाहिर सी बात है इसको ग्रो करने के लिए खाना चाहिए होगा, बिना फूड के ये ग्रो नहीं करेगी। जब इसको फूड मिलेगा उस टाइम तो ये ग्रो मिलेगी, लेकिन जब लार्ज अमाउंट में फूड होगा उस टाइम में ये क्या करेगी, उस टाइम में ये बर्ड का फॉर्मेशन करेगी। ठीक है, उस टाइम में ये बर्ड का फॉर्मेशन करेगी। और जैसे हम लोगों ने अमीबा में पढ़ा था, सबसे पहले क्या हुआ, न्यूक्लियस का इलांगेशन हो रहा था, जेनेटिक मटेरियल की कॉपी बन रही थी, और उसके बाद न्यूक्लियस का डिविजन हो रहा था। सेम चीज़ वहाँ यहाँ पर भी होगी। सबसे पहले क्या होगा, न्यूक्लियस का इलांगेशन होगा और न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। यहाँ आप लोग देख सकते हैं, ये न्यूक्लियस हमारा यहाँ भी सेंटर में है, ये न्यूक्लियस बड में गया है, यहाँ पर न्यूक्लियस का इलांगेशन, ये न्यूक्लियस है सेंटर में, ये न्यूक्लियस जाएगा बड के पास, यहाँ पर क्या होगा, इलांगेशन होगा। इलांगेशन के टाइम में क्या होता है, ये जो न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल है, दैट इज़ द डीएनए या आरएनए, जो भी जेनेटिक मटेरियल है उसका, उस जेनेटिक मटेरियल की कॉपी बनेगी। कॉपी बनने के बाद क्या होगा, फाइनली न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक न्यूक्लियस पेरेंट सेल में है, एक न्यूक्लियस डॉटर सेल में है। ठीक है, दोबारा से क्या होगा, दोबारा से ये जो बर्ड है, अब इस बर्ड में फाइनली अभी मेम्ब्रेन्स अटैच है, अभी आप देख सकते हैं ये मेम्ब्रेन्स अटैच है। फाइनली क्या होगा, ये मेम्ब्रेन सेपरेट हो जाएगी। जब मेम्ब्रेन सेपरेट हो गई तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा डॉटर हो गया। ठीक है, ये हमारा डॉटर ईस्ट हो गया। डॉटर ईस्ट है, ठीक, डॉटर ईस्ट हो गई। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर बेसिकली बर्ड का फॉर्मेशन हुआ, उस बर्ड से नया ईस्ट ऑर्गेनिज्म बन गया, इसीलिए इस प्रोसेस को कह रहे हैं बडिंग। यहाँ पर आप लोग ये ध्यान दीजिएगा, हमने ये स्टेप्स दे दिए हैं, कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं बडिंग इन ईस्ट के। मान लीजिए कभी एग्जाम में पूछ लेगा कि व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन ईस्ट, अगर 3 नंबर 4 नंबर में है तो आप ये पूरे स्टेप्स लिख सकते हैं। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, आप ये पूरे स्टेप्स लिख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए क्या हो गया, यहाँ पर न्यूक्लियस का डिविजन हो गया, बट अब यहाँ पर दूसरी कंडीशन ये आती है। यहाँ पर जैसे हम लोग देख रहे हैं, ये जो बर्ड है ये पेरेंट सेल से अटैच है। ये जो बर्ड है, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये बर्ड क्या है, ये बर्ड पेरेंट सेल से अटैच है। कभी कभी क्या होता है, ये जो नई बर्ड बनी है ये बर्ड अलग हो जाती है, पेरेंट से अलग हो जाएगी।
जब पेरेंट से अलग हो जाएगी तो ये क्या करेगी, ये नया ईस्ट बन गया, एक मिनट, जब ये पेरेंट से अलग हो जाएगी तो ये एक नया ईस्ट बन जाएगा। ये बर्ड सेपरेट हो गई, यहाँ से सेपरेट हो जाएगी तो क्या होगा, एक ईस्ट ये है, दूसरा ईस्ट ये है, दोनों में न्यूक्लियस है। ठीक, एक कंडीशन तो ये होती है, ये दोनों अलग अलग हो गए। दूसरी कंडीशन यहाँ पर क्या अराइज होती है, ईस्ट की चेन बन जाती है। चेन का मतलब क्या, चेन का मतलब ये है, अभी ये ऑर्गेनिज्म है, अटैच है इसी के ऊपर, इसमें फिर से बडिंग हो गई, नया ईस्ट बन गया, फिर इसमें बडिंग हो गई, फिर से नया ईस्ट बन गया, फिर बडिंग हो गई, फिर नया ईस्ट बन गया। तो यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं, एक चेन बन जाती है ईस्ट की। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, ध्यान से देखेंगे अगर आप, तो यहाँ पर ये कंडीशन लिखी हुई है, द बर्ड आइदर सेपरेट फ्रॉम द पेरेंट सेल और द न्यू बर्ड फॉर्म ऑन इट बिफोर सेपरेशन फ्रॉम द पेरेंट सेल। जो चीज़ अभी हमने बताई, या तो एक कंडीशन ये होगी पेरेंट सेल से अलग हो जाएगी, अलग होने के बाद इस पे नई सेल्स का फॉर्मेशन होगा, या अटैच डिटैचमेंट के पहले ही इस पे नई सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा और ये चेन बन जाएगी। ठीक है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बर्ड ऑन डॉटर बर्ड इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्रांच और अनब्रांच चेन ऑफ बर्ड्स। बस यही इतना होता है बडिंग में। ईस्ट के बारे में पता है, ये यूनिसेलुलर है, यूकैरियोटिक है। अच्छा, आप लोग को यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बारे में कुछ पता है, यूकैरियोटिक क्या होता है, प्रोकैरियोटिक क्या होता है, आइए जान लेते हैं, कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसमें सेल मेम्ब्रेन है, कंप्लीट न्यूक्लियस होता है और अदर सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। सेल ऑर्गेनेल होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक की बात करें तो प्रोकैरियोटिक पर भी सेल मेम्ब्रेन है, इसमें सेल वॉल भी होती है, इसमें कंप्लीट न्यूक्लियस नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, सिंगल डीएनए होता है, इसमें सिंगल डीएनए होता है। साथ ही साथ यहाँ पर हमने कहा ये सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, यहाँ पर सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस था, बाकी और जो डिफरेंस है वो हम अलग से जब सेल का वीडियो बनाएंगे, सेल चैप्टर का वीडियो, तो वहाँ पे सारी चीज़ें डिटेल से डिस्कस करेंगे। यूकैरियोटिक सेल क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, दोनों में क्या डिफरेंसेस है, जितने भी आपके बैक्टीरिया होते हैं वो ज़्यादातर वो प्रोकैरियोटिक होते हैं, ठीक है। लेकिन एक बेसिक चीज़ आप लोग यहाँ पर ये जान लीजिए कि ये डेवलप्ड सेल होती है, ये अनडेवलप्ड सेल होती है, ठीक। तो यहाँ पर ये जो ईस्ट है, ये ईस्ट कैसा है, ये ईस्ट एक डेवलप्ड सेल है, ठीक है। बस दूसरी चीज़ क्या है, ये यूनी सेलुलर है। यूनी सेलुलर का मतलब ही हो गया कि एक ही सेल में यीस्ट की सारी लाइफ प्रोसेस होती है, चाहे वो डाइजेशन ऑफ फूड हो, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, चाहे वो मेकिंग ऑफ एनर्जी हो, चाहे वो रिप्रोडक्शन हो, सारी प्रोसेस एक सिंगल सेल के अंदर होती है। ये चीज़ हमने इस वीडियो के पहले वाले वीडियो में भी डिस्कस की थी। तो ये तो हमारा हो गया ईस्ट। ईस्ट के बारे में ये स्टेप्स आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या अपनी कॉपी में नोट्स बना लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग को देखना है बडिंग इन हाइड्रा, ठीक है। हाइड्रा की बात करें तो हाइड्रा भी आपका ये जो ऑर्गेनिज्म है ये मल्टी सेलुलर होता है, लेकिन ये वाटर में पाया जाता है। जैसा हम लोगों ने ईस्ट में देखा था सबसे पहले बर्ड का फॉर्मेशन हो रहा था, हाइड्रा के केस में भी यही होता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक स्मॉल बर्ड का फॉर्मेशन होता है। जैसे ही बर्ड का फॉर्मेशन होगा, हाइड्रा की प्रॉपर्टी यह है कि यहाँ पे इसके हेड पे टेंटेकल्स होते हैं। ये टेंटेकल्स क्या करते हैं, ये टेंटेकल्स फूड को कैप्चर करते हैं, ये फूड को कैप्चर करने में हेल्प करते हैं। तो पहले एक बर्ड ग्रो होगी, बर्ड के ऊपर टेंटेकल्स का फॉर्मेशन होगा। अब ये बर्ड थोड़ा सा और ग्रो होगी, जब ये सफिशियंटली ग्रो हो जाएगी
तो फाइनली क्या होगा, ये बर्ड पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएगी, अलग हो जाएगी। जब ये पेरेंट बॉडी से अलग हो जाएगी तो ये बर्ड नई जगह जाकर के ग्रो करेगा और एक नया हाइड्रा बन जाएगा। तो सेम वही प्रोसेस जैसा ईस्ट में था वैसा यहाँ पे, बस यहाँ पर चेन नहीं बन रही। यहाँ पर क्या होता है, ये जो बर्ड है ये बर्ड फाइनली अलग हो जाता है। जब ये अलग हो जाएगा पेरेंट से तो क्या होगा, नया हाइड्रा बन जाएगा। नया हाइड्रे का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब देखिए जैसे ईस्ट में कुछ स्टेप्स थे वैसे ही हमने यहाँ पर भी कुछ स्टेप्स लिख दिए हैं जो बडिंग हाइड्रा में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, बर्ड्स देखिए सिंगल सेल्ड होता है और माइटोटिक डिवीजन से बनता है, यानी कि जो पेरेंट बॉडी है जहाँ पर बर्ड बनना होगा वहाँ पर क्या होगा, माइटोसिस होगी। माइटोसिस एक टाइप का सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन दो तरीके के होते हैं, एक मियोसिस दूसरा माइटोसिस। एक बेसिक बता दे रहे हैं आप लोग को दोनों में डिफरेंस जो यहाँ जानना ज़रूरी है। माइटोसिस में क्या होता है, आफ्टर डिवीजन सेल क्रोमोसोम जो होते हैं उनका नंबर सेम होता है, यानी कि ये सेल है इनमें न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है 2n, सॉरी न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है 2n। तो जब सेल डिवाइड करेगी, जब सेल डिवाइड करेगी तो एक से दो सेल बनेगी और दोनों में जो क्रोमोसोम होगा वो 2n ही रहेगा, यानी कि क्रोमोसोम का नंबर चेंज नहीं होगा। ये जो प्रोसेस होती है ये माइटोसिस में होती है। दूसरी जो प्रोसेस है वो होती है मियोसिस। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पेरेंट सेल का क्रोमोसोम नंबर 2n है, लेकिन सेल डिवीजन के बाद क्या होगा, सेल डिवीजन के बाद कहानी बदल जाती है। यहाँ पर एक सेल से चार सेल बनती हैं और सब में क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाता है। एन रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यहाँ पर क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाता है। ठीक है, तो ये एक बेसिक डिफरेंस है माइटोसिस और मियोसिस में। तो होता क्या है, माइटोटिक डिवीजन से बर्ड बना, वो बर्ड ग्रो करके स्मॉल हाइड्रा बनाएगा और फाइनली वो हाइड्रा क्या होगा, पेरेंट बॉडी से डिटैच होकर के सेपरेट हो जाएगा। सेपरेट होके वो एक नया इंडिविजुअल हो गया। तो बडिंग में इतना ही हम लोग को जानना था, हाइड्रा और ईस्ट का केस। आगे हम लोग को जानना है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन ये भी एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये भी क्या है, ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ये स्पोर फॉर्मेशन कब होता है, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं स्पोर क्या होता है। ठीक, अब कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो स्पोर फॉर्मेशन करते हैं, कुछ एल्गी हैं, फंगिया फंजाई हैं और कुछ नॉन फ्लावरिंग प्लांट हैं, ये स्पोर फॉर्मेशन करते हैं। क्यों करते हैं, कब करते हैं, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले ये जान लेते हैं स्पोर होता क्या है। स्पोर की बात करें तो स्पोर एक स्मॉल सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ऑर्गेनिज्म होता है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ऑर्गेनिज्म होता है। अब बाहर क्या होती है, बाहर ये हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। बाहर ये क्या होती है, ये प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। प्रोटेक्टिव कवरिंग किस लिए होती है वो भी हम लोग जानेंगे। प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, ठीक है, प्रोटेक्टिव कवरिंग। अब देखिए हम लोग जानते हैं प्रोटेक्टिव कवरिंग होती क्यों है। यहाँ पर देखिए कंडीशन लिखी है, स्पोर इज फॉर्म बाई ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। अब ये अनफेवरेबल कंडीशन क्या होती है और फेवरेबल कंडीशन क्या होती है ये जान लेते हैं। हम लोग जानते हैं ये जो एल्गी है, फंजाई है, ये नमी वाले जहाँ पर मॉइस्चर होता है वहाँ पर ग्रो करते हैं, और स्पेशली जहाँ पर ढेर सारा फूड हो, ऑर्गेनिक फूड, शुगर वाला फूड, वहाँ पर ये ग्रो करते हैं। साथ ही साथ उस एरिया का टेम्परेचर बहुत कम होना चाहिए और मॉइस्चर ज़्यादा होना चाहिए। तो जिस एरिया में मॉइस्चर ज़्यादा है, टेम्परेचर कम है, वहाँ पर ये आसानी से ग्रो करेंगे फंजाई। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो कंडीशन कहलाती है फेवरेबल कंडीशन। ऐसी कंडीशन जो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए सुइटेबल है तो वो फेवरेबल कंडीशन कहलाती है। अब जब फेवरेबल कंडीशन रहेगी तो फंजाई आपका नॉर्मली ग्रो करेगा और वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा। लेकिन जब कंडीशन चेंज हो जाए, अनफेवरेबल हो जाए, अनफेवरेबल का मतलब क्या, मॉइस्चर ख़त्म हो जाए, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए उस एरिया का, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, और फूड ख़त्म हो जाए, तो
तो ऐसी कंडीशन में फंजाई वहां पर सर्वाइव नहीं करेगा, फंजाई की डेथ हो जाएगी। तो फंजाई क्या करता है, फंजाई अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए, यानी कि एक फंजाई से ढेर सारे फंजाई बनाने के लिए वो क्या करेगा, वो स्पोर्स का फॉर्मेशन करेगा। अब स्पोर्स के बारे में जानते हैं, स्पोर इज स्पेशल स्ट्रक्चर। स्पोर का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, सपोज करिए ये फंजाई है, तो ऐसा नहीं है फंजाई में कहीं पर भी स्पोर फॉर्मेशन हो जाए, एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर को कहते हैं स्पोरेंजिया। क्या कहते हैं, स्पोरेंजिया। और इसी स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर का फॉर्मेशन होगा। तो जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन होता है, स्पोरेंजिया के अंदर ढेर सारे स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। अब कुछ स्पोर्स ऐसे होते हैं जो पानी में स्विम कर सकते हैं, जैसे हमने एल्गी की बात की, इसके बाद आपका ब्रायोफाइटा होता है, तो ब्रायोफाइटा को रिप्रोडक्शन के लिए पानी चाहिए, तो उनके स्पोर्स क्या पानी में स्विम कर सकें, इसीलिए उनको उनके पास होता है फ्लैजिला। फ्लैजिला उनको स्विम करने में हेल्प करता है, और उन स्पोर्ट्स को हम लोग कहते हैं जू स्पोर्ट्स। क्या कहते हैं, जू स्पोर्ट्स कहते हैं, ठीक है। जू स्पोर्ट्स की प्रॉपर्टी है कि दे हैव द कैपेबिलिटी टू स्विम। अब देखिए होता क्या है, जब स्पोरेंजिया बर्स्ट करेगा, यानी कि अभी हमने स्पोरेंजिया बनाया था, जब ये स्पोरेंजिया बर्स्ट करेगा तो इसके अंदर जो स्पोर्ट्स हैं, ये स्पोर्स क्या होंगे, ये स्पोर्स सराउंडिंग में रिलीज हो जाएंगे। और जब ये सराउंडिंग में रिलीज होंगे तो सराउंडिंग में कुछ दिन तक ये डोरमेंट पड़े रहेंगे, यानी कि इनके अंदर कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी, ना ये ग्रो करेंगे, ना ये कोई एक्टिविटी शो, कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। कब तक डोरमेंट पड़े रहेंगे, जब तक अनफेवरेबल कंडीशन है। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन वापस से आ जाएगी, मॉइस्चर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा, फूड आ जाएगा, तो यही स्पोर्ट्स जर्मिनेट करेंगे। क्यों, क्योंकि जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, इस प्रोटेक्टिव कवरिंग के अंदर ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। जब फेवरेबल कंडीशन आएगी, कवरिंग ब्रेक होगी, या ऑर्गेनिज्म फिर से ग्रो करके नया फंजाई बना लेगा, ठीक। इसका सीधा जो एग्जाम्पल है, ये आपका क्लाइमेडोमोनास, पेनिसिलिन आपका एक पेनिसिलियम है, फिर स्पॉन्ज है, स्पॉन्ज में जेम्यूल एक स्ट्रक्चर होता है, क्या आप लोग कभी दिखाते हैं, तो उनमें ये ग्रो करता है। अब देखिए ये क्लेमिडोमोनास है, क्लेमिडोमोनास का ये क्लेमिडोमोनास का ये स्पोरेंजिया है, इस स्पोरेंजिया के तो ये जो सिंगल स्ट्रक्चर है, ये सिंगल स्ट्रक्चर आपका स्पोर कहलाएगा, ये आपका स्पोर कहलाएगा, ठीक है। ये क्या है, ये एक सिंगल स्पोर है, और यहाँ पर ये जो लंबी लंबी लाइन है, ये लंबी लंबी लाइन क्या है, ये लंबी लंबी लाइन फ्लैजिला है, ये जो लाइंस हैं ये लाइंस फ्लैजिला है। तो फ्लैजिला ये स्पोरेंजिया है, स्पोरेंजिया बर्स्ट किया, उसके अंदर ढेर सारे ये स्पोर्स निकले, इनके पास ये फ्लैजिला है, ये स्विम करते हुए दूसरी जगह पहुँच जाएंगे, वहाँ पर ये ग्रो करेंगे। ये जेम्यूल से जेम्मा कप कहते हैं इसको, यहाँ पर इस कप के अंदर ये स्पोर्स हैं, जब बस्ट करेगा ये तो यहाँ से ये स्पोर्स रिलीज हो जाएंगे, और फाइनली वो क्या करेंगे, वो आपका नई जगह जाके ग्रो करेंगे। तो आज का हम लोग का लेक्चर यहीं हम ख़त्म करते हैं, कल हम लोग पढ़ेंगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जो कि प्लांट के केस में होता है। कल का लेक्चर पूरा वही रहेगा, वो लेंथी पोर्शन है, इम्पोर्टेंट भी है, एग्ज़ाम में अक्सर पूछ लेता है, एक क्वेश्चन उससे आता ही आता है। लास्ट में आप लोग से यही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हम नई वीडियो जैसे डालें वैसे ही आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ठीक है। साथ ही साथ आप लोग देखते तो हैं लेकिन शेयर नहीं करते हैं, शेयर करिए ना, शेयर करेंगे तो उससे हमें मोटिवेशन मिलेगा कि और अच्छा पढ़ाएं, और अच्छे से समझाएं ईजी वे में। तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर किया करिए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर करिए, आपके जितने भी दोस्त हैं जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनकी बायोलॉजी वीक है, बायोलॉजी सीखना है, समझना है, उनको आप शेयर कर सकते हैं, या आपके साथ जो अभी पढ़ रहे हैं जिनकी बायोलॉजी वीक है, उनको आप शेयर कर सकते हैं। शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि लोगों को सही चीज़ मिल सके। आज के लिए बस इतना ही, कल हम लोग शुरू करेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन। थैंक यू।